हेलो एवरी वन वेलकम टू रवि अदिति क्लासेज फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेज़ एंड थीम्स ऑफ अगस्त 2023 तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है और इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ओके okay? तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपके लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है तो आपको पूरे वीडियो को स्टार्टिंग टू एंडिंग देखना है और फ्रेंड्स जैसे हमेशा होता है हमारे वीडियोज़ में आपको लास्ट में टेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे जिनका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन है वन हैज़ वर्ल्ड मस्कीटो डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बीन सेलिब्रेटेड तो विश्व मच्छर दिवस दो हज़ार तेईस कब मनाया गया है तो वर्ल्ड मस्कीटो डे को सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेंटी अगस्त को तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बात करते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो देखिए वर्ल्ड मस्कीटो डे इज़ ऑब्जर्व विद द एम ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ मस्कीटो और थीम दिया गया था 2023 का यहाँ पर फाइटिंग द वर्ल्ड डेडलीस्ट किलर द मस्किटो राइट तो थीम आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैन हैज़ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे टू थाउजेंड बीन सेलिब्रेटेड तो विश्व फोटोग्राफी दिवस 2023 कब मनाया गया है तो यहाँ पर वर्ल्ड फोटोग्राफी डे को मनाया जाता है नाइनटीन अगस्त को तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बात करते हैं इससे भी जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो देखिए द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे बिगेन इन फ्रांस ऑन जनवरी नाइन एटीन थर्टी नाइन वन फ्रेंच जोसफ नाइसफोर एंड लुइस डोगोर इन्वेंटेड फोटोग्राफी ओके और थीम था फ्रेंड्स इस बार का लैंडस्केप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राइट तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हैज़ वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बीन सेलिब्रेटेड विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन नाइनटीन ऑफ ऑगस्ट तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है तो बात करते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 18 इयर्स अगो ऑन अगस्त 19 2003 देयर वाज एन अटैक ऑन द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इन बगदाद द कैपिटल ऑफ इराक तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वाटर पर एक अटैक हुआ था और यहाँ पे इसी दिन को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे थीम दिया गया था इसका नो मैटर वॉट ओके तो फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन के साथ साथ उससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं चाहे वो उसका मोटो हो चाहे उसका वो थीम हो राइट right? अगर वो किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है आपको हर एक यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा एक क्वेश्चन के बाद तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए तो पूरे वीडियो को बिना स्किप करिए आप देखिए ओके okay? तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच इंडिपेंडेंस डे हैज़ इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन फिफ्टीन अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो पंद्रह अगस्त दो हज़ार तेईस को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है तो so, इंडिया ने यहाँ पर सेलिब्रेट किया है अपना सेवेंटी सेवन्थ इंडिपेंडेंस डे तो काफ़ी लोग फ्रेंड्स यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि इस बार सेवेंटी सिक्सथ है या फिर सेवेंटी सेवन्थ है तो so, देखिए मैं आपको बता दूँ कि इस बार का जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था वो सेवेंटी सेवन्थ इंडिपेंडेंस डे था ओके तो कन्फ्यूज़ यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं होना है राइट right? तो so, बात करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इंडिया गॉड इंडिपेंडेंस

फ्लैग होस्ट किया है रेड फोर्ट और ये इनका टेंथ टाइम है टेंथ कॉन्जिव टाइम इन्होंने यहाँ पर फ्लैग को होस्ट किया है राइट अगला क्वेश्चन है वेन हैज़ वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बीन सेलिब्रेटेड तो विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है तो यहाँ पर वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे को मनाया गया है थर्टीन अगस्त को तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बात करते हैं इसके बारे में तो देखिए द पर्पज़ ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन एंड एनकरेज पीपल टू डू सो राइट थीम दिया गया था स्टेप अप टू वॉल्टियर नीड मोर ऑर्गन डोनर्स टू फिल द लैक ये इसका थीम था बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की वन हैज वर्ल्ड एलिफेंट डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बीन सेलिब्रेटेड तो विश्व हाथी दिवस दो हजार तेईस कब मनाया गया है तो ये सेलिब्रेट किया गया है ऑन ट्वेल्थ ऑफ अगस्त राइट right? बात करते हैं इसका थीम क्या था या और मोटो क्या था तो देखिए इसका मेन यहाँ पर एम क्या था पहले इसके बारे में बात करते हैं पर्पस क्या था द मेन पर्पस ऑफ़ सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड एलिफेंट डे इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स एंड शेयर नॉलेज एंड पॉजिटिव सोल्यूशनस फॉर बेटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड एंड कैप्टिव एलिफेंट्स ये इसका यहाँ पर पर्पज़ था बात करें थीम की टू में वर्ल्ड एलिफेंट डे में बनाया गया है इसका थीम दिया गया है एंडिंग द इ्लीगल फाइल्ड लाइफ ट्रेड राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वेन हैज़ वर्ल्ड ट्राइबल डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बीन सेलिब्रेटेड तो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है तो यहाँ पर वर्ल्ड ट्राइबल डे को सेलिब्रेट किया गया है नाइन्थ ऑफ अगस्त तो बात करेंगे यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो दिस डे इज सेलिब्रेटेड बाई द यूनाइटेड नेशंस टू प्रमोट द प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिजीनस ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड और थीम दिया गया था यहाँ पर इंडिजीनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन ये इसका यहाँ पर थीम था राइट फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड विच डे टू बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे तो आपके लिए आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको डबल टिक जरूर कर, डबल करें डबल स्टार मार्क करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है ट्वेंटी अगस्त को एज नेशनल स्पेस डे बात करेंगे क्यों ये ऐसा किया गया है तो देखिए दिस डे विल बी सेलब्रेटेड टू कोमेमरेट द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रायन थ्री ऑन द लूनार सरफेस तो देखिए चांद पर चंद्रायन थ्री इसी दिन यानि कि ट्वेंटी थ्री ऑगस्ट को लैंड की गई थी और इसी दिन को मनाया जाएगा एज नेशनल स्पेस डे ओके अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका वर्ल्ड वाटर वीक टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री हैज़ बिन सेलिब्रेटेड सिंस वेन तो विश्व जल सप्ताह दो हज़ार तेईस कब से कब तक मनाया गया है तो इसको मनाया गया है फ्रॉम ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर अगस्त ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है तो बात करेंगे यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो देखिए वर्ल्ड वाटर वीक इज़ एन एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज बाई किसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है स्टॉक होम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट इन ये ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ल्ड वाटर वीक को ठीक है कब से कर रहे हैं ये 1991 से इसे यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं

राइट right, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोल्यूशन ऑब्जर्वड तो दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है तो इसको मनाया गया है तेईस अगस्त को यानी ट्वेंटी थ्री अगस्त को तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बात करते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो देखिए ट्वेंटी थ्री अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन बाई यूनेस्को राइट On this day, 1991, a rebellion began in Santo Domingo, present-day Haiti, yeah, that played a key role in abolition of transatlantic slave trade. Right? So, तो ये हो गया इससे जुड़े important points और theme दिया गया था इस बार का fighting slavery's legacy of racism through transformative education. ये इसका theme था. Next question है friends आपका. When is Women Equality Day 2023 celebrated? तो महिला समानता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है

टू रिकोगनाइज द इम्पॉर्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल बिजनेस राइट तो बात करें यहाँ पर इसके साथ में वर्ल्ड एम एस एम ई डे कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है ट्वेंटी सेवन जून को तो फ्रेंड साथ में आपको पता होना चाहिए कि एम एस एम ई का फुल फॉर्म क्या होता है तो एम एस एम ई का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ये इसका फुल फॉर्म होता है और साथ में इसकी एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम भी मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम ई ही है ठीक है तो उसके मिनिस्टर कौन है ये है नारायण रानी ये भी आप यहाँ पर याद रखें दोनों ही आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ओके तो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वेन हैज़ नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड तो नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस को कब मनाया गया है तो ये मनाया गया है ट्वेंटी नाइन्थ ऑगस्ट को तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है तो देखिए नेशनल स्पोर्ट्स डे इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑगस्ट To commemorate the birth anniversary of great hockey player Major Dhyan Chand, who is known as the wizard or the magician of hockey, तो so, आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली ऐसा पूछा जा सकता है कि यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद ओके तो ये क्या थे इनको क्या कहा जाता था इन्हें विजार्ड नाम से भी जाना जाता था मज़िशियन नाम से भी जाना जाता था हॉकी के क्योंकि ये एक प्रोमिनंट हॉकी प्लेयर थे बात करें फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया गया था तो ये मनाया गया था ट्वेंटी नाइन अगस्त टू ट्वेल्व को ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे व्हेन हैज़ वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे बीन सेलिब्रेटेड तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है तो ये मनाया गया है इक्कीस अगस्त यानी कि ट्वेंटी वन अगस्त को ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया गया है तो इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है ट्वेल्थ अगस्त को तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ यूथ इन टैकलिंग ग्लोबल इशूज़ एंड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ये इसके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है बात करें थीम की यहाँ पर तो देखिए ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड ये इसका थीम दिया गया था राइट और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ट्वेल्थ जनवरी को क्या मनाया जाता है अभी हमने क्या पढ़ा ये हम पढ़ रहे हैं क्या देख लीजिए इंटरनेशनल यूथ डे और नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है तो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है ट्वेल्थ जनवरी को दोनों ईजी हैं एक जैन में आता है एक अगस्त में आता है डेट दोनों के सेम है राइट तो पहला नेशनल आता है उसके बाद इंटरनेशनल आता है तो नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किसकी बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है नेशनल यूथ डे तो आपको ये याद रखना है ओके तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ वैन हैज़ वर्ल्ड लायन डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बीन सेलिब्रेटेड तो विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है तो ये सेलिब्रेट किया गया है ऑन ऑगस्ट टेंथ ऑप्शन नंबर बी देखिए द मेन पर्पज ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे इट इज टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ लायंस ओके अगला क्वेश्चन वेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सेलिब्रेटेड तो विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दो हजार तेईस कब मनाया गया है तो ये मनाया गया है नौ अगस्त को तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है तो देखिए इसके बारे में दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिजीनस पीपल ऑफ़ द वर्ल्ड ओके थीम दिया गया था टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में इंडिजीनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन ये इसका थीम था नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका वेन इज़ हिरोशिमा डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सेलिब्रेटेड तो हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है तो ये मनाया गया है सिक्स अगस्त को ओके okay? तो देखिए दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन सिक्स अगस्त टू रेज़ अवेयरनेस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ बॉम्ब अटैक ऑन हिरोशिमा जापान तो हिरोशिमा में हुए बॉम्ब अटैक के लिए जो अवेयरनेस रेज़ करने के लिए हम मनाते हैं यहाँ पर हिरोशिमा डे ओके द सिटी ऑफ हिरोशिमा वॉज अटैक्ड विद अ न्यूक्लियर वेपन किलिंग थाउजेंगस्त सिक्स नाइनटीन फोटी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वेन हैज़ अर्थ ओवर शूट डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बीन सेलिब्रेटेड तो अर्थ ओवर शूट दिवस दो हज़ार तेईस कब मनाया गया है तो so, ये यहाँ पर बनाया गया है सेकेंड ऑगस्ट को तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है तो so, देखिए है क्या चीज़ ये देर इज़ नो फिक्सड डेट फॉर दिस डे बिकॉज इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द डिफरेंट डे एवरी ईयर तो हर साल इसका जो डेट होता है अलग अलग होता है कोई एकदम फिक्स नहीं है किसी दिन मनाया जाएगा इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी एट जुलाई तो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में इसको मनाया गया था ट्वेंटी एट जुलाई को और नाइनटीन सेवेंटी में इसको बनाया गया था थर्टी दिसंबर को तो देख रहे हैं आप कितना वेरिएशन है हर टाइम हर ईयर ये, ये चेंज हो जाता है दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड टू रेज़ अवेयरनेस अबाउट द डिप्रेशन ऑफ रिसोर्सेज कॉज्ड बाई आवर मॉडर्न लाइफ स्टाइल तो मॉडर्न लाइफ स्टाइल की वजह से जो डिप्रेशन हो रहा है रिसोर्सेज का उसके बारे में अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है ये डे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका वेन इज़ द वर्ल्ड लंग कैंसर डे सेलिब्रेटेड तो लंग कैंसर डे यानी कि विश्व लंग कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है फर्स्ट अगस्त को राइट देखिए दिस डे इज सेलिब्रेटेड विद द एम ऑफ रेजिंग अवेयरनेस अबाउट लंग कैंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन ऑफ बिलीफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ऑब्जॉल्व तो यह मनाया जाता है ऑन ट्वेंटी टू अगस्त क्या है ये धर्म या मत के आधार पर हिंसक कृतियों पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस ओके okay, तो ये मनाया जाता है ट्वेंटी टू अगस्त को समझेंगे इसके बारे में दिस डे इज़ ऑब्जर्व टू स्ट्रांगली कंडेम एक्ट्स ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म टारगेटिंग पीपल इंक्लूडिंग इंडिविजुअल इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू रिलीजियस माइनॉरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और बिलीफ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वेन इज़ वर्ल्ड संस्कृत डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सेलिब्रेटेड तो विश्व संस्कृत दिवस दो हज़ार तेईस कब मनाया गया है तो ये मनाया गया है थर्टी फर्स्ट अगस्त को तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है तो देखिए दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ फुल मून ऑफ श्रावण मंथ तो यहाँ पर श्रावण मास के पूर्णिमा के अवसर पर इसको मनाया जाता है और वर्ल्ड कप फर्स्ट संस्कृत डे मनाया गया था 1969 में तो देखिए कितना पुराना है तब से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ़ अफ्रीकन डिसेंट 2023 थाउजेंड सेलिब्रेटेड तो अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दो कब मनाया गया है तो इसको मनाया गया है थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट को तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स तो देखिए इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन स्टैब्लिशिंग द इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट इन दिसंबर टू तो दिसंबर टू थाउजेंड के द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया था ये डे ओके पर्पज़ क्या था इसका द पर्पज ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे इज़ टू प्रमोट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अफ्रीकन डायस्पोरा टू वर्ल्ड एंड एलिमिनेट ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पीपल ऑफ़ अफ्रीकन डिसेंट तो अफ्रीकन लोगों की तरफ से जो भी हमारे लिए कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसको प्रमोट करने के लिए एंड उनके साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे फाइट करने के लिए एलिमिनेट करने के लिए ये डे को मनाया जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ एंड फोर्स डिसअपियरेंसेज टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सेलिब्रेटेड तो लापता विवादों के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दो हज़ार तेईस का मनाया गया है तो ये मनाया जाता है थर्टी अगस्त को राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वेन इज इंटरनेशनल वेल शार्क डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सेलिब्रेटेड तो अंतर्राष्ट्रीय वेल शार्क दिवस दो हज़ार तेईस कब मनाया गया है तो इसको मनाया गया है थर्टी अगस्त को तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट है राइट तो देखिए इंटरनेशनल वेल शार्क डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन थर्टी अगस्त टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्लाइट ऑफ वेल शार्क द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदी में एक बार समझिए दुनिया की सबसे बड़ी मछली वेल शार्क की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वेल शार्क दिवस को मनाया जाता है राइट right? अगला क्वेश्चन है वेनिज सद्भावना दिवस 2023, थाउजेंड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी सेलिब्रेट तो सद्भावना दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सेवेंटी जयंती कब मनाई गई है तो ये मनाई गई है ऑन ट्वेंटी ऑगस्ट ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बात करते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो देखिए राजीव गांधी इज़ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1984 टू 1989 तो ये यहाँ पर इतने साल यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं एंड मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री राइट और इनका बर्थ हुआ था ट्वेंटी अगस्त नाइन्टीन को फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तो देखिए वन हैज़ पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबरेंस डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री हैज़ बीन सेलिब्रेटेड तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस दो हज़ार तेईस कब मनाया गया है तो इसको मनाया गया है फोर्टीन अगस्त को तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है बात करेंगे इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो देखिए इट इज़ अ नेशनल मेमोरियल डे इन इंडिया विच वॉज फर्स्ट अनाउंस बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में इसे हाल ही में अनाउंस किया गया है ये सेलिब्रेट करने के लिए क्यों मनाया जाता है ये डे देखिए द डेज सेलिब्रेटेड टू रिमेंबर द सफरिंग ऑफ अफेक्टेड पीपल ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान इन द ईयर नाइनटीन फोटी सेवन तो नाइनटीन फोर्टी सेवन में जो यहाँ पर पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का उसमें जो लोग सफ़र हुए थे उनको याद करने के लिए उनकी सफरिंग्स को याद करने के लिए यहाँ पर मनाया जाता है ये डे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका वेन हैज़ वर्ल्ड बायोफील डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बीन सेलिब्रेटेड तो विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे को मनाया जाता है टेंथ अगस्त को बात करेंगे इसके बारे में तो देखिए वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन टेंथ अगस्त इन मेमोरी ऑफ सर रडल्फ डीज़ल द इन्वेंटर ऑफ डीजल इंजन तो डीज़ल इंजन की खोज की थी किसने सर रोडल्फ डीज़ल ने और इनकी ही मेमोरी में मनाया जाता है यहाँ पर वर्ल्ड बायोफ्यूल डे को ओके एटीन नाइनटी थ्री सर रोडल्फ डीज़ल फर्स्ट ट्राइना मैकेनिकल इंजन विथ पीनट ऑयल ओके तो इन्होंने पीनट ऑयल की मदद से पहला मैकेनिकल इंजन चलाया था इन एटीन नाइनटी थ्री बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो देखिए वेन हैज़ द नेशनल जैवलिन थ्रो डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बीन सेलिब्रेटेड तो नेशनल जैवलिन थ्रो डे को सेलिब्रेट किया गया है सेवेंथ अगस्त को तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया है तो फ्रेंड्स यहाँ बता दूँ मैं आप एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने जीता है फर्स्ट गोल्ड तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहली बार इंडिया को गोल्ड किसने दिलवाया है ये दिलवाया है नीरज चोपड़ा ने राइट right? तो फ्रेंड्स इसके इस अलावा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ तो किससे एसोसिएटेड है ये एसोसिएटेड है जेवलिन थ्रो से तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में तो आप दोनों तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर रहें ओके okay? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैन हैज़ नेशनल हैंडलूम डे 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बींग सेलिब्रेटेड राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 हज़ार कब मनाया गया है तो इसको यहाँ पर मनाया गया है सेवन्थ अगस्त को इसको भी आप डबल टिक करें ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में देखा गया है ओके okay, बात करेंगे इस जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो देखिए नाइन्थ नेशनल हैंडलूम डे इज़ बींग सेलिब्रेटेड दिस ईयर तो इस साल का यानी टू में ये इसका नाइन्थ एडिशन चल रहा है और इसका यहाँ पर पर्पज़ क्या देखिए द मेन पर्पज़ ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे इज़ टू प्रमोट स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वेन हैज़ मुस्लिम वुमेन्स राइट डे 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बीन सेलिब्रेटेड तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है तो इसको मनाया गया है फर्स्ट ऑगस्ट को तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स बात करते हैं इसके बारे में ये है क्या तो देखिए दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू इनाग्रेट एंड ऑनर द इन इनैक्टमेंट ऑफ द लॉ अगेंस्ट ट्रिपल तलाक तो देखिए यह दिवस तीन तलाक के खिलाफ कानून के अधिनियम के प्रति उद्घाटन और सम्मान के लिए मनाया जाता है आई होप आपको क्लियर है अगला पॉइंट है यहाँ पर द ट्रिपल तलाक रूल हैज़ बिन डिक्लेयर इन लीगल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज एक्ट टू तो देखिए जो तीन तलाक का नियम था उसको दो के विवाह संरक्षा अधिनियम में भारत सरकार ने अवैध घोषित कर दिया है तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है व्हेन हैज वर्ल्ड वाइड वेब डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया गया है तो इसको मनाया जाता है फर्स्ट अगस्त को तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बात करते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द मीडियम थ्रू विच वी गेट ऑल काइंडस ऑफ इंफॉमेशन फ्राम होल वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट विद जस्ट वन क्लिक ओके ऑन द स्क्रीन ऑफ आवर डेस्कटॉप लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि डब्ल्यू डब्ल्यू का इन्वेंशन किसने किया है तो इसको इन्वेंट किया गया है बाई टिम बर्नर्स ली तो इसे भी आप याद रखें एग्ज़ाम में डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो आपका अगला क्वेश्चन है वन इज नागा डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सेलिब्रेटेड तो नागा साकी दिवस ये कब मनाया गया है तो इसको मनाया जाता है नाइन्थ ऑगस्ट को तो ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही आंसर हो गया तो देखिए दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड टू रिमेंबर द विक्टिम्स ऑफ एटॉमिक बॉम्बिंग्स ऑफ नागा साकी जापान इन द ईयर नाइनटीन फोटी फाइव तो ये दोनों डेज़ जो हैं हिरोशिमा एंड नागा साकी डेज़ इन दोनों को सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर टू रिमेंबर द विक्टिम्स ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर वैन इज़ इंटरनेशनल डॉग डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सेलिब्रेटेड तो इंटरनेशनल डॉग दिवस दो हज़ार तेईस कब मनाया गया है तो ये मनाया गया है छब्बीस अगस्त यानी कि ट्वेंटी सिक्स अगस्त को नेक्स्ट क्वेश्चन है वन इज़ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सेलिब्रेटेड तो परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस दो हज़ार तेईस कब मनाया गया है तो इसको मनाया गया है यहाँ पर ट्वेंटी नाइन अगस्त को तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है तो बात करते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो देखिए द पर्पज ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट ब्लास्ट और एनी अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो देखिए हिंदी में एक बार देख लीजिए इस दिवस को मनाने का उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण विस्फोटों या किसी अन्य परमाणु विस्फोटों के प्रभावों को के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है राइट तो आई होप आपको ये क्लियर है फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है इसके बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है तो देखिए विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी हैज़ बिन सेलिब्रेटेड ऑन सिक्सटीन अगस्त टू तो देखिए सोलह अगस्त दो को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की फिफ्थ डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है सिक्सटीनथ अगस्त 2023 को बात करते हैं यहाँ पर इनके बारे में तो देखिए इनकी डेथ हुई थी सिक्सटीन अगस्त टू में अटल बिहारी वाजपेयी वॉज बॉन ऑन ट्वेंटी दिसंबर नाइनटीन इन ग्वालियर मध्य प्रदेश तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था और इस ट्वेंटी दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है इसे बोला जाता है गुड गवर्नेंस डे तो आपके लिए ये भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओके okay? तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेज एंड थीम्स ऑफ अगस्त 2023 थाउजेंड ट्वेंटी राइट अब आते हैं आपके टेस्ट की तरफ तो आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है देखिए पहला क्वेश्चन है विच इंडिपेंडेंस डे हैज़ इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन फिफ्टीन अगस्त टू तो पंद्रह अगस्त दो को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस बनाया है ये आपको यहाँ पर बताना है अगला क्वेश्चन है आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड विच डे बू बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है तो इन दोनों का आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है तो so फ्रेंड्स इसके अलावा जो हमारी पेड पी की वेबसाइट है वो है डब्ल्यू तो यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट जी के एंड करंट अफेयर्स की पी डी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम मिल जाएगी तो so, आप इसको नोट कर लें और अगर चाहें तो यहाँ से जाके ज़रूर बाय करें ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नोट्स हैं आपको काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट मिलेंगे जितने भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे तो so, एक बार ज़रूर इस वेबसाइट को आप चेक करें ओके okay? तो ऑल राइट गाइज़ ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड आई होप आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आप तो ऑल राइट right, मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में अनटिल देन थैंक यू हैव अ नाइस डे